कोई यूनिवर्सिटी चाहती है डिस्टेंस के कोर्सेज को चलाना तो उसके पास नेक एक्रेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। नेक एसेस करेगा, असेसमेंट करेगा उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज को, गुणवत्ता देखेगा किस तरह की जो क्वालिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रा कैसा है। नेक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1994। दोस्तों हालांकि अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाते हैं और उन कोर्सेज को करने के बाद आपको मिलती है अच्छी अच्छी नौकरियां, जॉब मिलती हैं आपको, या फिर आगे बढ़ पाते हो अपनी लाइफ के उस फेज में जहां जाकर आप अपनी जिंदगी में एक मुकाम पाते हो। दोस्तों है क्या चीज, जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज ये चलने शुरू हो जाए, अप्रूवल ले और शुरू हो जाए और उनको कोई देखे ही नहीं, मतलब कि उनको ऐसा कोई ना देखे कि क्या मैनेजमेंट चलता है, क्या इंफ्रा है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उस तरह के फैकल्टी मेंबर्स हैं या नहीं, तो क्या हाल हो सकता है एजुकेशन सिस्टम का। उन्हीं सब चीजों को देखने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 1994 में जिसका नाम है नैक। नैक एक ऐसी संस्था है जो कि क्वालिटी एनालिसिस करती है, साथ में क्वालिटी को मैनेज करती है और देखती है कि वो यूनिवर्सिटी उस लायक है भी या नहीं, या जो कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो कॉलेज उस लायक है कि नहीं कि वहां पर वो स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दे पाए। नैक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, कभी काउंसिल बॉडी आई, किस तरह से काम करती है, क्या होता है A+, A++ या फिर B+ जो मिलता है काफी सारी यूनिवर्सिटीज को जहां से भी आप कोर्सेज करते हैं, और भी कई सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। नैक के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों जिस भी टॉपिक पर आप हमें कमेंट करते हैं हम उन पर वीडियोस लेकर आते हैं, इसीलिए हमें भी इंतजार रहता है कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस कोर्स पर आप वीडियो चाहते हैं, या किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज पर आप जानना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज नैक की। दोस्तों नैक है क्या, नैक की फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करता है। नैक की हम लोग बात करें, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, मतलब कि ये एक्रेडिएट करता है असेसमेंट करने के बाद में, और अगर हम हिंदी में बात करें इसका नाम हिंदी में है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। दोस्तों नैक की हम जो बात कर रहे हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी को असेस करती है, असेसमेंट करने के बाद में वहां पर उनको रैंकिंग देती है जो कि ग्रेड सिस्टम वाइज आता है, जिसका CGPA निकाला जाता है, जिसका मैक्सिमम अगर हम ग्रेड की बात करें तो मैक्सिमम ग्रेड होता है 4, जिसका मतलब होता है A++, या आगे हम थोड़ा बढ़े जिसका 3.5 होता है उसको मिलता है A+, और जिसका 3.25 होता है उसको मिलता है A, और इसके नीचे अगर जैसे किसी का अगर 3 ग्रेड आया तो उसको मिलता है फिर B, ऐसे डाउन करता चला जाता है। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी होंगी, आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज देखते हो, आजकल तो अगर बात करें हम तो डिस्टेंस का अप्रूवल अगर किसी यूनिवर्सिटी को लेना है, कोई यूनिवर्सिटी चाहती है डिस्टेंस के कोर्सेज को चलाना, तो उसके पास नेक एक्रेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। नेक एसेस करेगा, असेसमेंट करेगा उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज को, गुणवत्ता देखेगा किस तरह की जो क्वालिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रा कैसा है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यूक्रेन जो स्टूडेंट्स गए थे MBBS करने के लिए, बात मैं कर रहा हूं 17-18 के आसपास की, तब 2017-2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त वहां पर एक डोनेस नाम का एक कॉलेज था जिसको सिर्फ उसके इंफ्रा की वजह से ही MCI ने उसको रैंक से बाहर कर दिया था। उसके बारे में पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे नेक किस तरह से काम करता है, या फिर ये समझ लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अपने हिंदुस्तान में 2019 में डिस्टेंस के कुछ कोर्सेज चलाने की परमिशन मिली थी, पर 20 में उन्हीं यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल नहीं मिला, 21 में भी अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वहां रैंक करती नहीं है, उनका वो औदा ही नहीं है यूनिवर्सिटी का जिसके हम बात करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग अगर बात करूं तो अपने देश में लगभग 1025 यूनिवर्सिटीज हैं अपने हिंदुस्तान में, और लगभग 50,000 कॉलेजेस चलते हैं लगभग अपने हिंदुस्तान में, अलग अलग कोर्सेज अलग अलग एफिलिएशंस के साथ।
अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम बात करें, लगभग 400 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है अपने हिंदुस्तान में, लगभग 400 आप इसको मानकर चल सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज 126 प्लस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 443 प्लस है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगभग 54 से भी ज्यादा है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर उनको सभी को जो एसेस करती है, जो देखती है, मूल्यांकन करती है, जो काउंसिल उनकी गुणवत्ता को चेक करती है, उसी को हम बोलते हैं नैक। दोस्तों नैक का गठन किया गया 1994 में, जो कि एक एज अ ऑटोनोमस बॉडी इसका गठन किया गया था, जिसका कि हेडक्वार्टर बनाया गया बेंगलोर में। क्या क्या काम करता है? क्वालिटी इवेल्युएशन का काम है इसका, प्रमोशन का काम है देखना कि किस तरह से गुणवत्ता को हम लोग चेक करेंगे, साथ में ही क्वालिटी एनालिसिस करता है, और साथ में क्वालिटी कंट्रोल करने का भी ये काम करती है, जिसके हम नेक बॉडी की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। दोस्तों अपने देश में हालांकि देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग तरह की काउंसिल्स चलती हैं। काउंसिल्स जैसे कि मैं कुछ आपको बताऊं, जैसे PCI चलता है, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब कि जो फार्मेसी कोर्सेज करवाता है। BCI चलता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां से स्टूडेंट्स LLB करते हैं और बाद में एडवोकेट लॉयर वो लोग बनते हैं। साथ में ही एक और काउंसिल NCT चलता है, जहां से कोर्सेज करने के बाद आप टीचर बनते हैं, BEd करते हैं, MEd करते हैं, अलग अलग तरह के आप कोर्सेज करते हैं। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी स्टूडेंट्स बनते हैं डॉक्टर, MCI से एफिलिएटेड अप्रूव्ड जो कॉलेजेस होते हैं, जिनको MBBS की सीट्स मिलती है, वहां से वो लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं, तभी वो लोग डॉक्टर बन पाते हैं। जैसे ये काउंसिल चलती है, उसी तरह से एक UGC है 1956 जब ये UGC बनी थी, जो सभी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है, उन्हें दर्जा देती है कि आप एक यूनिवर्सिटी की तरह काम कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स या जो भी रिसर्च की डिग्रीज है वो आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। और उन सभी के ऊपर उनको एसेस करने के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आता है नैक। नैक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1994। जिस तरह से UGC सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उसी तरह से सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को जो एसेस करती है वो सिर्फ यही करती है नैक। नैक की अगर बात करें, साथ में ही 1995 में सबसे पहली हिंदुस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। और दोस्तों मैं बता दूं, जिस यूनिवर्सिटीज के पास आज की डेट में नैक नहीं है, डिस्टेंस उसके बाद बिल्कुल नहीं है, और नैक आज की डेट में तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और 19 में बेशक से सभी को एफिलिएशन दे दिए गए, मतलब डिस्टेंस के अप्रूवल दे दिए गए, बट अब जिनके पास नैक नहीं है उनको ये अप्रूवल नहीं मिलते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में, किसी भी काउंसिल को लेकर, कोर्सेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, या फिर आप मदद चाहते हैं, या पर्सनल कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी कोर्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लेकर, या काउंसिल को लेकर कोई कंप्लेंट है, आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर मैसेज डालें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आपका हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उनके बारे में अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।